Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our new chapter, that is dynamics. So our first topic is force, inertia and momentum. Newton's law of motion are of fundamental importance in understanding the causes of motion of a body. जो न्यूटन के लॉ है मोशन के वो फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस की हैं इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. बट बिफोर वी डिस्कस दीज लॉज लेट्स डिस्कस सम टर्म्स दैट इज फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम. फोर्स, वी कैन ओपन अ डोर ईदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट. हम दरवाजा खोल सकते हैं या तो उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम फोर्स या तो उस दरवाजे की तरफ अप्लाई करते हैं या अपनी तरफ. द पुश मे मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट. जो हमने पुश लगाया, जो फोर्स लगाई, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज करे या कार्ट उसे मूवमेंट से रोक दे. फॉर एग्जाम्पल, अ बैट्समैन इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल by pushing it with his bat. Batman ने जब बॉल को हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. A force may not always cause a body to move. हमेशा ज़रूरी नहीं कि फोर्स एक बॉडी को मूव ही करे, उसे रोक भी सकती है. For example, a boy is pushing a wall and is just trying to move it. Could he move the wall? एक बंदा दीवार पर जोर लगा रहा है लेकिन क्या उसका जोर इतना था कि दीवार को मूव कर सके? एक गोलकीपर है, फुटबॉल को रोकता है, वो फोर्स लगाकर रोकता है, उसे मजीद मूवमेंट में नहीं लेकर आता. बच्चा, फोर्स की डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी. द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. फोर्स क्या है? या मूव करती है और टेंड्स टू मूव, या रोकती है या टेंड्स टू स्टॉप. फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल. दस अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. हम जब एक एप्पल काटते हैं तो हम नाइफ को पुश करते हैं अंदर, एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स हम क्या करते हैं, उस बॉडी की शेप या साइज चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट टर्म इज इनर्शिया. गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हेवियर वंस. गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें रोकना इजी है या चलाना एज कंपेयर टू हेवियर ऑब्जेक्ट्स. हेवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप. जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मूव करना, या अगर मूवमेंट में हो तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है. न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट्स टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. न्यूटन ने क्या कहा कि हर चीज चेंज को रेजिस्ट करती है, एक रेजिस्टेंस है उसके पास, वो रेजिस्टेंस अप्लाई करती है उस चेंज पर. He called this property of matter as inertia. जो ये property थी कि वो resist करती है change, उसने इसे inertia कहा. He related the inertia of body with its mass. Greater is the mass of body, greater is its inertia. उसने inertia को किससे refer किया? Relate किया उसने mass के साथ. उसने कहा जितना ज़्यादा mass होगा body का उतनी ज़्यादा inertia होगी. Inertia of a body is its property. Due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia एक body की property है जिसकी वजह से वो resist करता है कोई change उसकी state of rest या motion में. Let us perform an experiment. Take a glass and cover it with a piece of cardboard. एक glass लेने, उसे cardboard के piece से cover करने. Place a coin on the cardboard. उस cardboard के ऊपर एक coin रखना है. Now flip the card horizontally with a jerk of your finger. क्या करना है कि एकदम से कार्ड नीचे से मूव करना है.
डज अ कॉइन मूव द कार्डबोर्ड, क्या कॉइन हिला कार्डबोर्ड के साथ? द कॉइन डजंट मूव विद कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया, कॉइन जो है नहीं हिला कार्डबोर्ड की मूवमेंट के साथ। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक स्ट्रिप काटो पेपर की, उसे टेबल पर रखना है, स्टैक अ फ्यू कॉइन एट इट्स वन एंड, एक एंड पर कुछ कॉइन्स रखने हैं, पुल आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द कॉइन्स विद अ जर्क, एकदम से वो पेपर स्ट्रिप नीचे से पुल करनी है। ये एक्सपेरिमेंट करके बताएं बच्चों क्या होता है जब व्हेन यू पुल द पेपर स्ट्रिप एट वंस, देन व्हाट हैपन टू द कॉइन्स? मोमेंटम, अ बुलेट हैज अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, एक जो बुलेट है उसका तो बहुत छोटा इनर्शिया उसकी मास की वजह से, बट व्हाई डज इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रांग व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, तो फिर उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग क्यों है? ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज वेरी लार्ज इवन इफ द ट्रक इज मूविंग स्लो, उसके बरक्स एक लोडेड ट्रक जो है बेशक वो बहुत स्लोली चल रहा है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है किसी और बॉडी पर बहुत ड्रास्टिंग है, डिवेस्टेटिंग है। टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम, अब इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, जो मोमेंटम है बॉडी की वो एक मोशन की क्वांटिटी है जो पोजेस करे अपने मास या वेलोसिटी की वजह से। द मोमेंटम पी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी वी, जो मोमेंटम है किसी बॉडी की वो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से दी जाती है, दस पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है। लेट्स डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ डील्स विद बॉडीज व्हिच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। जो फर्स्ट लॉ है मोशन का वो उन बॉडीज के साथ डील कर रहा है जो या तो रेस्ट पर है या एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एक बॉडी जो रेस्ट पर होती है वो तब तक रेस्ट पर रहती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स तब तक मूव नहीं करते जब तक उन्हें कोई मूव ना करे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एक बुक जो है जो टेबल पर पड़ी हुई है वो तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई उसे उठाए ना, कोई नेट फोर्स ना उसके ऊपर एक्ट करे। सिमिलरली मूविंग ऑब्जेक्ट डजंट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही से नहीं रुक जाती। A ball rolled on rough ground stops earlier than ball rolled on smooth ground. एक बॉल जो है एक खुदरी सरफेस पर जल्दी रुकेगा जबकि एक बॉल जो स्मूथ सरफेस पर रोल कर रहा होगा, बिकॉज जो रफ सरफेस है वो फ्रिक्शन ऑफर करती है। इफ देर वुड बी नो फोर्स टू अपोज अ मोशन ऑफ बॉडी देन मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप, अगर कोई फोर्स ना हो उस मोशन को अपोज करने के लिए रोकने के लिए तो मूविंग बॉडी कभी ना रुके। The Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. एक बॉडी जो है अपनी स्टेट रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की तब तक कंटिन्यू रखती है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना एक्ट करे। Since Newton's first law of motion deals with inertial property of matter, therefore it is termed as law of inertia. क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ ताल्लुक रखता है, रिलेट कर रहा है, उनसे डील कर रहा है, तो उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड
व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली. हमने देखा कि जो पैसेंजर जो खड़े होते हैं किसी बस में, किसी मूविंग कार में, वो फॉरवर्ड फॉल करते हैं जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे सडनली, बिकॉज अपर पार्ट्स ऑफ बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन व्हाइल लोअर पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद बस स्टॉप विद इट. क्योंकि जो लोअर पार्ट है हमारा वो तो बस के साथ था, वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अपना मोशन कंटिन्यू करता है. दैट्स व्हाई दे फॉल फॉरवर्ड. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी. अब ये लॉ जो है ये उन सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है जब एक नेट फोर्स एक्ट करती है बॉडी पर. इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. जब एक नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट करे तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है नेट फोर्स की डायरेक्शन में. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स. जो मैग्नीट्यूड है इस एक्सेलरेशन का नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन. इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास एम देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट. बच्चों में एक सिचुएशन अज्यूम करें कि अगर एक फोर्स जो है एक्सेलरेशन ए बॉडी में प्रोड्यूस करे जिसकी मास एम है, तो हम उसे मैथमेटिकली कैसे स्टेट करेंगे. हमने पढ़ा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. तो एक्सेलरेशन क्या हुई, एफ बाय एम. सो एफ इज इक्वल टू एम ए. अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट पुट करेंगे, पुटिंग की के एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. एफ इज इक्वल टू के एम ए. सिंस वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी वन इन एस आई यूनिट्स, एफ इज इक्वल टू एम ए. सो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वन न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² in a body of mass of 1 kg. Newton's second law of motion ke according 1 newton ek force hai jo 1 m/s² ki acceleration produce karti hai in a body of mass 1 kg. Thus 1 newton is equal to 1 kg multiplied by 1 m/s² is equal to 1 kg/s². bachcho newton ka wo force ka unit ye hai 1 kg/s². Let's discuss an example. Find the acceleration that is produced by 20 newton force. Force given hai aur mass bhi given hai. Humne acceleration find karni hai. We have studied that F is equal to ma. So A is equal to F by m. A force acting on a body of mass. Mass given hai and acceleration is given. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? So second mass में given है. हमने apply की equation F is equal to m1 a1 and F is equal to m2 a2. इन दोनों को proportionality constant में लाएंगे और compare कर लेंगे. A cyclist of mass 40 kg. Mass है 40 kg और force है 200 newton. To move his bicycle with an acceleration. Acceleration भी given है. How much is the force of friction between rod and tires? उन्होंने पूछा कि फ्रिक्शन की फोर्स क्या है. एम गिवन है, ए गिवन है एंड एफ नॉट इज गिवन. हमने फाइंड करना है एफ, नेट फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो नेट फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स आ गई. एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मास एंड वेट, जनरली मास एंड वेट आर कंसिडर्ड सिमिलर क्वांटिटीज, बट इट्स नॉट करेक्ट. जनरली जो मास और वेट है उन्हें सिमिलर क्वांटिटीज कंसिडर किया जाता है, बट इट्स नॉट करेक्ट. ये टू डिफरेंट एंटिटीज हैं, टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. मास ऑफ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी. जो मास है किसी बॉडी का वो उस मैटर की क्वांटिटी है एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डजंट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस. इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मासेस यूजिंग अ बीम बैलेंस. हम इसे बीम बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं. On the other hand,
weight of body is a force equal to force with which earth attracts it. वेट क्या होता है? वो फोर्स जो बॉडी लगा रही है और साथ अर्थ ऊपर की तरफ लगा रही है, वो है वेट. इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये ग्रेविटेशनल वैल्यू से वेरी करती है. वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास एम इज रिलेटेड बाय इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. वेट एक फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इन एस आई यूनिट इज न्यूटन, द सेम एज फोर्स. वेट जो स्प्रिंग बैलेंस हमें ये कर लेते हैं. सो वट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इट डील्स विद द रिएक्शन ऑफ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अब ये मोशन उनके साथ, बॉडी के साथ डील कर रहा है जो कि एक रिएक्शन एग्जर्ट कर रही है. लेट अ बॉडी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए. कंसिडर करते हैं एक बॉडी जो फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड और सेम फोर्स टेबल अपवर्ड लगा रही है. द फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज एक्शन फोर्स. जो बुक नीचे की तरफ लगा रही है वो एक्शन फोर्स है और जो टेबल ऊपर की तरफ लगा रही है वो रिएक्शन फोर्स है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. According to this law, action is always accompanied by a reaction force. Action हमेशा जो है एक reaction force accompany करता है. And two forces must be equal and opposite. Then ये हमने book example देख ली है. Take an air-filled balloon. When the balloon is set free, air inside it rushes out and balloon moves forward. तो जो air rush out हो रही है वो reaction है. Sorry, वो action है. और जो आगे की तरफ जा रहे हैं वो रिएक्शन है.